बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम रीम दोस्तों मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त जिशान दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि सरज़मी पाकिस्तान में भी पैगम्बरों की आमद हुई होगी यकीन आप में से बहुत से लोगों ने यह नहीं सुना होगा कि सरज़मी पाकिस्तान में भी अम्बे कराम तशरीफ़ लाए होंगे दोस्तों ये सच है कि सरजमीन पाकिस्तान जो हज़ारों साल पुरानी है यहाँ पे अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लाए हैं और उनके मज़ारात आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं आज की वीडियो में मैं आपको अल्लाह के एक पैगंबर के मज़ार के ज़ियारत करवाने वाला हूँ जो पाकिस्तान के शहर गुजरात में मौजूद है दोस्तों ये नहायत अहम मालूमती वीडियो है लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसे लाइक करते हुए अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर करने की कोशिश कीजिए तो चलिए इस वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं <द्रेख> दोस्तों अल्लाह ताला ने हजरत आदम ले से लेकर खातमनबीन जनाब मोहम्मद वसल्लम तक कम बेश एक लाख चौबीस हज़ार पैगम्बर माबूस फरमाए इनमें से बाज़ पैगम्बरों के नाम और बाज के वाक़ आसमानी किताबों में यानी ज़बूर तौरात इंजील और कुरान पाक में इरशाद फरमाए गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन पैगम्बरों के नाम या जिक्र किताबों में मौजूद नहीं हैं उन पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं बल्कि मुसलमान को तमाम पैगम्बरों पर ईमान लाना लाजिम है दोस्तों अल्लाह ताला ने तमाम पैगम्बरों को दुनिया के किसी न किसी खिता में ज़रूर भेजा है जहाँ जहाँ भी जहालत व शिरक अरूज पाती अल्लाह ताला किसी न किसी पैगम्बर को वहाँ उनकी हिदायत के लिए ज़रूर पैदा फरमाता तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अर्ज़ हिंद जो हज़ारों सालों से जहालत व शरक और बुत परस्ती का मस्कन रहा हो वहाँ अल्लाह ताला ने किसी पैगंबर को ना भेजा हो दोस्तों अल्लाह ताला ने ज़रूर अपने पैगंबरों में से यहाँ पर यानी अर्ज़ हिंद में भी नबियों को भेजा होगा क्योंकि बहुत सी रवायात के मुताबिक पता चलता है कि हज़रत आदम सलाम को हिंद की पहाड़ियों पर उतारा गया था जो सरंदीप यानी मौजूदा का हिस्सा है दोस्तों इसी तरह इंसानी तहजीब का इब्तदाई सफ़र जिन इलाकों से शुरू हुआ इनमें पाकिस्तान का इलाका भी शामिल था और यूँ पाकिस्तान का तहजीबी सफ़र हज़ारों साल पुराना बनता है सबूत के तौर पर पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाली बहुत सी तहजीबें हैं जो मेहरगढ़ से गंवेरी वाला तक फैली हुई हैं दोस्तों इनके अलावा पाकिस्तान में अम्बे कराम के मज़ारात भी दरियाफ्त हुए हैं जिन में हज़रत आदम सलाम के बेटे हज़रत कम्बीत हजरत नूह के बेटे हज़रत हाम और हज़रत इब्राहीम की औलाद में से पैगम्बरों के मज़ारात भी दरियाफ़त हुए हैं जिनकी निशानदही और तस्दीक अल्लाह के बरगजीदा बंदे और साहबान कशफ़ हाफज शमसुद्दीन गलियानवी और ख्वाजा गहर अहमद अवैसी राम ने फरमाई दोस्तों अम्बिक्राम की कबूर की जीारत का सिलसिला आज से हम अपने यूट्यूब चैनल दरियाफ्त विशान पर कर रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद तमाम अम्बिक्राम के मज़ारात की ज़्यारत हम आपको तरतीब बार कराते जाएंगे और इनके बारे जितनी भी मालूम हमें मिल सकी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे तो आज की हमारी वीडियो जिस नबी के मज़ार के बारे है इनका नाम हज़रत सलाम है इनका मज़ार पाकिस्तान के ज़िला गुजरात में मौजूद है दोस्तों हज़रत तानू सलाम के बारे में कहा जाता है कि ये अल्लाह के नबी थे जो बनी इसराइल यानी हज़रत कूब सलाम की औलाद में से थे आपका शजरा हज़रत इब्राहीम से जा मिलता है दोस्तों साहबान कशफ हाफिज शमसुद्दीन गलियानवी और ख्वाजा गोहरुद्दीन अहमद अवैसी रहा ने कशफ़ुल कबूर के ज़रिए इनके नबी होने की तस्दीक फरमाई और उनके अलावा दीगर साबान कशफ ने भी इनकी कब्र मुबारक और पैगम्बर होने की तस्दीक फरमाई दोस्तों हज़रत तानो खल सलाम का मज़ार जहाँ पर वाक़ है वहाँ झाड़ियाँ और घना जंगल हुआ करता था और आपका मज़ार चंद इंटों पर मुश्तमिल इस गने जंगल में छुपा था दोस्तों यहाँ पे मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन और साहबान कश्य आकर मराकबा किया करते थे और यहाँ पर चिल्ला कशी किया करते थे इन्हीं में से हाफि शमसुद्दीन गलियानवी और ख्वाजा गहरुद्दीन रहमत भी शामिल हैं हाफि शमसुद्दीन गलियानवी रहत और ख्वाजा गहरुद्दीन रहमत ल आपके मज़ार की तस्दीक फरमाई और कशफल कबूर के ज़रिए साहब कबर से आपके नबी होने की तस्दीक फरमाई दोस्तों हज़रत ख्वाजा गहरुद्दीन रहमतल्ला ने हजरत सलाम की कीब्र मुबारक पर इमारत तमीर करवाई और बाद में जो इस वक्त मौजूदा इमारत है वो ख्वाजा गहरुद्दीन रहतल के मरीदेन ने असर नौ तमीर करवाई और ख्वाजा गोहरद्दीन रहमत ला ने ही साहब कबर से कशफन दर्याफ्त करके आपका शजरा मुबारक यहाँ पर लिखवाया दोस्तों हजरत तानू अम का शजरा मुबारक हज़रत इब्राहीम से कुछ इस तरह से जा मिलता है कि हज़रत तानूसल्लाम बिन नून बिन इसमग बिन इमहूद बिन यगदान बिन तहसन बिन तुल् बिन रफा बिन बरिया बिन हज़रत अफ्राहीम बिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम बिन हज़रत सैदना इब्राहीम दोस्तों हज़रत तानूख अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की लंबाई तकरीबन नौ गज़ है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप तवील कदोकामत रखते थे दोस्तों यहाँ एक बात वाजिया कर दूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के अलावा किसी भी पैगम्बर की कब्र के बारे में सौ फीसद यकीनी नहीं कहा जा सकता और जो मैंने आपसे तमाम मालूम शेयर की हैं वो यहाँ के मकिन और मज़ार में लिखी गई तहरीर के मुताबिक आपसे बयान की है आगे जो हकीकत और बेहतर मालूम है अल्लाह रबुल्ज़त ही जानता है दोस्तों ये मज़ार गुजरात में वाक़ है इस मज़ार पर जाने के लिए दो रास्ते हैं एक ये कि आप गुजरात से 30 से 35 किलोमीटर सियालकोट की तरफ सफ़र करें और रास्ते में एक गांव आता है जिसका नाम शेख चुगानी है वहाँ पर आपका मज़ार मौजूद है या फिर मराला से जलालपुर जट्टा की तरफ दस किलोमीटर सफ़र करने पर द्रैचनाब के किनारे शेख चुगानी गांव में एक ऊंचे टीले पर हजरत हज़रतानुख सलाम का मज़ार मौजूद है आपका उर्स मुबारक आठ और नौ झलह को मनाया जाता है दोस्तों ये तमाम मालूम मैंने वहाँ के मकिन और मज़ार में लिखी गई तहरीर के मुताबिक आपसे शेयर की है आगे दुरुस्त मालूम क्या है ये मेरा रब ही जानता है दोस्तों अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें इसे अपने दोस्तों में शेयर करें अपनी राय का इजहार भी करें अब अपने भाई झिशान अहमद को इजाज़त दीजिए मिलेंगे फिर इस तरह की और वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह निगेबान